ओह, इट्स अ सिग्नेचर शॉट फ्रॉम बन टू बंगे। हाँ जी बिल्कुल लगाएंगे, छह बॉल छह सिक्स और सामा अली के छोटे भाई शॉट बाउंड्री नंबर फाइव, बाउंड्री नंबर फाइव। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के दिन का आखिरी मुकाबला, क्वार्टर फाइनल मुकाबला, बंटू भाई आदल गुम्मन तीसरी दफा ओपन के लिए बिल्कुल जब आ चुके। पांच ओवर का मुकाबला होगा, हालफ टीम दाना वाली और उसमें ओपन प्लेयर होंगे यासीन, पेसर फ्रॉम सियालकोट, शुभान, आतफ और ताहा गुम्मन जो है वो उनका साथ देंगे बेहतरीन साइड। और इधर बंटू भाई, आदल, असद, बिलाल लेफ्टी, फरहान। मैच का मज़ा आएगा, वीडियो आपने पूरी देखनी है। आखिरी मुकाबला आज के यासीन करेंगे बॉलिंग, पहला ओवर पहला बॉल, सामना करेंगे मजेशन बंटू भाई और रन जाएंगे चार, खेला कहीं गया कहीं। वंस अगेन बाउंड्री लगा चुके और ये बेहतरीन बॉल था, अगेन दौड़े और ये बेहतरीन चार क्या जब किया, यासीन दौड़े जुआ और इस दफा कीपर की पहुंच से दूर है, थर्ड मैन की पहुंच से दूर है। यासीन शॉट खेले, बाल हवा में, फील्डर नीचे, और कैच को ड्रॉप कर दिया। बंटू के एक और मौका, एक और चांस मिलेगा बंटू भाई का। ताहा घुमन आया बॉलिंग के लिए, उल्टा कैच इज द कॉल, फील्डर ड्रॉप कर दिया है शॉट और आज के दिन का सबसे लंबा सिक्स। आदल अच्छा बॉल था, बाउंड्री नहीं दे रहे, ओ बोल्ड कर दिया है, ब्रिलियंट बॉलिंग। ताहा गुम्मन बाजी ले गए, तीन बॉल डॉट के बाद आउट, बॉल एक्सीलेंट बॉलिंग, माइंड ब्लोइंग। ओह, इट्स अ सिग्नेचर शॉट फ्रॉम बंटू बॉय। वंस अगेन यासीन दौड़े और ये दबा फिर से उठा दिया है छह रन के लिए। तीन नंबर के थाम पर 48 रन दोस्तों बन चुके हैं, चौथे ओवर का खेल लगा स्टार्ट। असद करेंगे सामना, शॉट खेले सीधे बल्ले से, रन जाएंगे छह, बेहतरीन शॉट था, सामना करेंगे सदाबहार। इस दफा फिर से बाल को हवा में उड़ा दिया, अगला बॉल, इस दफा फिर से वंस अगेन शॉट, चार बॉल चार सिक्स शॉट अगेन, इट्स नंबर फाइव। पांच बॉल पे पांच सिक्सेस लगा दिए, क्या छठा सिक्स लगाएंगे, हाँ जी बिल्कुल लगाएंगे, छह बॉल छह सिक्स और सामा अली के छोटे भाई, छह बॉल पे छह सिक्स लगाने में कामयाब, बेहतरीन बल्लेबाजी, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी। बंटू भाई सामना करेंगे आखिरी ओवर, क्वार्टर फाइनल मुकाबला, शॉट नो बॉल, अंपायर का इशारा नो बॉल, बॉल बोल्ड कर दिया है लेकिन नो बॉल था, इसे दो डेम पर क्रॉस किया, शॉट नो बॉल, कैच भी ड्रॉप कर दिया है शॉट, तकरीबन 10 सिक्सेस उत्साह मालिक के छोटे भाई, शानदार बल्लेबाजी, छह सिक्सेस भी लगाए कवर में, बेहतरीन बल्लेबाजी करके एक अच्छा टोटल सेट करके है। बैटिंग दोस्तों बिल्कुल आ चुकी है, शुभान और उनके साथ ताहा बॉलिंग पर, फरहान पहला बॉल चार बेहतरीन रन आएंगे छह, पांच ओवर 30 बॉल 106 रन का टारगेट, वीडियो आपने देखने पूरी मैच का आएगा मजा, दोनों बेहतरीन डेंजर प्लेयर हैं। इस दफा फिर से मिड विकेट के ऊपर से रन जाएंगे छह।
बॉल नंबर थ्री और इट्स अ बिग हिट। फरहान मुश्किलात में, शुबान शॉट, चार बॉल चार सिक्स, 24 रन। इस दफा फिर से उठा दिया है सिक्स नंबर फाइव। क्या चटा सिक्स लगाने में कामयाब होंगे और ये बॉल बचा गए इस दफा। असद अब्बास दूसरा ओवर करने के लिए बिल्कुल आ चुके, सामना करेंगे ताहगुमन। दूसरा ओवर पहला बॉल और ये अच्छा बॉल था। क्वार्टर फाइनल मुकाबला और ये सिक्स नंबर सिक्स फ्रॉम शोभान। शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए असद वंस अगेन दो रन पर काश किया। अच्छा बॉल था वंस अगेन शुभान को, ये बेहतरीन लाइन के साथ बॉल डॉट करने में। अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है, दोबारा दौड़े असद अब्बास और ये स्लोवन कुछ उम्मीद दिलाई है। दो बॉल करने बाद असद अब्बास ने अगला बॉल और सिक्स नंबर सामा, तीसरा ओवर पहला बॉल, ओ कैच आउट, आउट होंगे वापस जाएंगे। बहुत तेज बॉल था ये बिलाल का, बहुत अच्छा लगा था, वीडियो को लाइक कर दे। नो बॉल का फैसला दिया गया जी कैमरे में देख के। शॉट खेले हैं, रन जाएंगे छह, साइलेंट शॉट। बिलाल दो बॉल पे 10 रन, तीसरा बॉल और ये कैच हो सकता है। और मैंने कहा था कि क्राउड को उठा दें, मसला बन सकता है, लेकिन बात नहीं सुनी और ये ओवर थ्रो कर दी है। रन ये चार आएंगे, दो रन लिए, छह रन आएंगे एक बॉल पे, तीन बॉल 16 रन। बिलाल मुश्किलात में, 64 रन 15 बॉल पे बन चुके और ये फिर से नो बॉल आएगा, फिर से नो बॉल आएगा। ओवर वहां पर बिल्कुल रोक दिया गया है क्योंकि दो नो बॉल दो विमर कर दिए। आदल घुमन हुद आए हैं, 30 बॉल पे 106 रन का हदफ था, 15 बॉल पे 66 रन मार चुके, 15 बॉल पे 40 रन चाहिए। शॉट खेले हैं और कैच पकड़ लिया है लेकिन नहीं, आउट नहीं होंगे, ये फ्री हिट था। प्रकाश किया एच हुआ और फिर से अगला बॉल, शॉट अच्छा है और फील्डर असद अब्बास इन फील्डिंग, रन आउट का मौका था लेकिन मिस कर गए। 36 रन चाहिए 12 बॉल पे। इस ओवर में अगर तीन बाउंड्रीज लग जाती हैं तो मैच जाएगा बैटिंग साइड पे अंडर 10 ओवर। असद अब्बास को निकालना पड़ेगा, क्या कामयाब होंगे। ओवर पहला बॉल अच्छा शॉट है, फील्डर नहीं है, रन जाएंगे चार चार। इस दफा फिर से छह रन के लिए, पहाड़ जैसा हदफ उसका पीछा करते हुए। अब 10 बॉल 28 रन, तीसरा बॉल, ओहो इस दफा फिर से उठा दिया है, एक्सीलेंट बैटिंग फ्रॉम शुभान। तीन बॉल तीन बाउंड्रीज, शॉट अगेन गोज बिग गोज साई, एक्सीलेंट बैटिंग वंस अगेन असद अब्बास, शॉट बाउंड्री नंबर फाइव, बाउंड्री नंबर फाइव, एक्सीलेंट बैटिंग, ब्रिलियंट बैटिंग फ्रॉम शुभान। पांच बॉल पांच बाउंड्रीज, क्या चटी बॉडी लगाएंगे असद अब्बास ने भी 36 लगाए थे। आखिरी बॉल डॉट करके, आखिरी बॉल डॉट करके हैं। 30,000 रुपए का ये मुकाबला, पहला बॉल वाइड करके, नौ रन चाहिए आप जाना वाले। मशवरे बिल्कुल वहां पर जारी, आदल गुमन या अक्षर मोहम्मद मालक
उम्मीदों का महवर और सामने ताहा गुमन दो बाउंड्री छह बॉल मोहम्मद मालिक काफी लंबा स्टार्ट शॉट खेले फील्डर मौजूद है असद अब्बास एक रन आएगा पांच बॉल आठ रन और अब सामना करेंगे डेंजर मैन शोभान मोहम्मद मालिक सामना करेंगे इंफान बल्लेबाज शोभान बेहतरीन यंगस्टर मोहम्मद मालिक पांच बॉल आठ रन हेवी गो दौड़े अंपायर पास क्या है शॉट खेले हैं फील्डर नहीं है वहां पर कोई भी रन आएंगे चार कोई फील्डर नहीं है कोई फील्डर नहीं है बिल्कुल वहां पर चार रन आएंगे और मोहम्मद मालिक बिल्कुल वहां पर गुस्से का इजहार करते हुए चार बॉल पर चार रन चाहिए टीम धाना वाली को सेमीफाइनल में बड़ा अपसेट आप इसको कह सकते हैं एक तो छह जैसा हदफ और दूसरा ये कि टीम बहुत स्ट्रांग थी जेटी के उसको अगर किसी भी भाई को बड़ी टक्कर बिल्कुल वहां पर जब दिया टीम धाना वाली ने वगैरह चाहिए पीएसएल की शर्ट वगैरह चाहिए तो भी कमेंट्री बॉक्स में रब्ता कर सकता है 10% ऑफ है आदल को पूछेंगे कितने आदमी थे दो थे सरदार एक शोभान और दूसरा ताहा और पांच ओवर पे 106 रन का पहाड़ जैसा हदफ चेस करके शॉट खेले फील्डर मौजूद एक रन आएगा एक रन का मजीद इजाफा तीन बॉल तीन रन तीन बॉल रन चाहिए तीन ओए तड़का अपना फील्डर कोई नहीं है कोई भी अपना फील्डर कोई नहीं है कोई भी ना वो मुंडे नहीं तड़को बुरे है कोई भी मांगी दे फील्डर ने मांगी खेडन आया तुसी मोहम्मद मालिक देर तीन बॉल तीन रन चाहिए शॉट और रन आएंगे चार इसके साथ ही ये मुकाबला आपने नाम किया शोभान का फातन अंदाज 27 बॉल पे 106 रन का टारगेट चेस करके हैं 27 बॉल पे 106 रन का टारगेट चेस करके हैं वेल डन एक्सीलेंट बैटिंग माइंड ब्लोइंग शोभान एंड बेहतरीन परफॉर्मेंस ताहा गुमन सेमीफाइनल में जाने वाली ये दूसरी टीम है दोस्तों कल दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह इजाजत दीजिएगा बहुत ख्याल रखिएगा दुआ भी याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़ नासिर जी।